लोकसभा चुनाव 2024 के पहले पूरे देश में जिस तरह का राजनीतिक शोर मचा है उसकी आवाज बिहार से ही उठी है। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार से निकलकर विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के सभी 40 सीटों पर इस बार भाजपा का फोकस है। वो नीतीश की पार्टी जदयू को यहां से निपटाने की जुगत में लगी हुई है। दोनों ही तरफ से गठबंधन सहयोगियों को तोड़ने और जोड़ने का खेल चल रहा है। नीतीश जहां एक तरफ विपक्ष के एकजुट करने की कोशिश में अभी तक लगे हैं, वहीं भाजपा के फायरब्रांड नेताओं का लगातार बिहार दौरा जारी है। या कहें तो बिहार से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने चुनावी तैयारी का बिगुल फूंक दिया है। भाजपा यहां की 40 में से 32 से 36 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। बिहार में अभी भाजपा के सहयोगी की बात करें तो केवल और केवल लोजपा है जो पशुपति कुमार पारस के साथ वाली है, क्योंकि चिराग पासवान की लोजपा रामविलास अभी गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है। इससे पहले अमित शाह बिहार में अकेले भाजपा के लोकसभा चुनाव लड़ने की भी बात कह चुके हैं। ऐसे में लोजपा रामविलास के चिराग पासवान, नीतीश से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा, हम के जीतन राम मांझी और वीआईपी के मुकेश सहनी को भाजपा अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। भाजपा की तरफ से चिराग, उपेंद्र से लेकर सहनी तक को जिस तरह से सुरक्षा से घेरा दिया गया है उससे तो यही लगता है। ऐसे में भाजपा जो बिहार में 32 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही हो, वो शेष बचे प्रदेश के 8 सीटों पर अपने सहयोगियों को कैसे सेट करेगी? दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। क्योंकि जीतनराम मांझी जैसे नेता ने महागठबंधन में रहकर लोकसभा चुनाव से पहले जैसे नीतीश को आंख दिखाई है, वो अगर भाजपा के साथ मिल गए तो इन 8 सीटों में सहयोगियों के लिए भाजपा कैसे समीकरण सेट कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। भाजपा के बिहार में कम से कम 32 सीटों पर लड़ने का मन बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव को याद करें तो बिहार में भाजपा के साथ जेडीयू लोजपा दोनों थे। ऐसे में वो 40 सीट में 39 सीट जीत पाई थी। किशनगंज की सीट जेडीयू हार गई थी और इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वही 2014 की बात करें तो तब भाजपा 30 सीट पर यहां लोकसभा चुनाव लड़ी थी और 22 सीट जीती थी। अब ऐसे में इस बार भाजपा ने जब 32 सीटों पर लड़ने का मन बनाया है तो अपने गठबंधन सहयोगियों को 8 सीटों पर कैसे संतुष्ट कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। वैसे इस बार भाजपा के खिलाफ बिहार में जदयू है जिसका बड़ा नुकसान भाजपा को दिख रहा है। उसके साथ ही राजद, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियों भी उनके साथ ही है। ऐसे में एक तो वोट बैंक की मजबूरी और दूसरा इन दलों से लड़ने के लिए गठबंधन की ताकत। भाजपा को यहां उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी को साथ लाना ही होगा, तभी कोई बात बन पाएगी। लेकिन इसको साथ लाएंगे तो सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्योंकि इनके लिए तो कुल जमा 8 सीटें ही बचती है। वैसे बिहार के इन 40 सीटों का पूरा गणित तो भाजपा के दिल्ली ऑफिस से ही तय होना है। ऐसे में गाहे बगाहे भाजपा का सहयोगी दल बनने की चाह रखने वाले नेता यहां अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलते दिख रहे हैं। वैसे भाजपा के लिए चिराग और कुशवाहा परेशानी नहीं बनेंगे, क्योंकि इनका यूपीए के साथ चुनाव लड़ना मुमकिन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये अकेले चुनाव लड़े तो इन्हें अपना हश्र पता है। ऐसे में ये भाजपा के कहे पर तैयार तो हो तो सकते हैं, लेकिन पेंच तो मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी जैसे नेता फंसा सकते हैं। हालांकि इसमें भी मुकेश सहनी को पता है कि उन्हें भाजपा के साथ रहकर ही केवल जीत मिल सकती है। ऐसे में पार्टी शायद उनको भी साथ ले, लेकिन अगर जीतनराम मांझी अड़ गए तो भाजपा के लिए ये परेशानी बड़ी हो जाएगी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।